एक ड्रैगन एग कप, एक बर्फीली मिठाई और एक पार्टी पेंगुइन। पता लगाएं हमारी नई वीडियो में ठंडी और गर्म बर्थडे पार्टी कैसे कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, ये आज है। नैन्सी उठ जाओ, आज ही वो दिन है। ये आ ही गया, गर्म और ठंडी बहन का जन्मदिन। चलो तैयार होते हैं। आज हमें क्यूट दिखना है। नैन्सी अपने बालों को बर्फीली ठंडी हवा के साथ हाथों से बना रही है। और मॉली सबसे हॉटेस्ट लिपस्टिक चुनती है। मुझे भी एक अच्छा हेयर स्टाइल चाहिए। मैं हॉट फिंगर का इस्तेमाल करके अपने बालों के कर्ल्स बनाऊंगी। ओह, कल मुझे हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए अभी ही कॉल कर रहा है। ईयू, ये जलने की बदबू क्या है? ओह, मेरे बाल, बहुत सारा धुआं। ओह नहीं, फायर अलार्म नहीं। वुप्स, माफ करना नैन्सी। यहाँ पर सबसे अच्छे बर्थडे कार्ड बेचते हैं। गुड आफ्टरनून। वाह, क्या हॉट ही है। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? हमें सबसे अच्छा RSVP कार्ड चाहिए हमारी पार्टी के लिए। वो बहुत ही गर्म होना चाहिए, इसका मतलब है ठंडा। बैकग्राउंड में फ्लेम्स और सूरज के साथ, और आइसबर्ग के आकार जैसा पोलर बियर। हे दोस्त, क्या तुमने ये सुना? लगता है इस लड़के को मॉली पर क्रश है। ये रहा तुम्हारा इनविटेशन, ये तैयार है। बढ़िया, क्या तुम पहले ही इसे जाने दे सकते हो? वाह, ये डबल साइडेड है, बिल्कुल हमें जो चाहिए था। मुझे उस लड़के को दोबारा देखना है। अच्छी बात है कि उसकी पार्टी का दूसरा इनविटेशन मैं अपने लिए प्रिंट कर सकता हूँ। मुझे जल्दी करना होगा, यहाँ बहुत अंधेरा है। सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे। ये तोहफे तुम्हारे लिए, कितनी शानदार पार्टी है। हाय मॉली, मैं तुम्हें भी बधाई देना चाहता हूँ। हे मॉली, मॉली ने थियो पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने बड़े गिफ्ट को नोटिस किया। मैं सोच रही हूँ अंदर क्या होगा, मैं एक नजर मार लेती हूँ। मॉली नहीं, ये मेरा गिफ्ट है, इसे वापस रखो। चलो भी, नैन्सी मेरा तोहफा दो। नहीं मॉली। वुप्स, ऐसा लगता है कि हमने गिफ्ट को बर्बाद कर दिया। एक साइड जल गई है और दूसरी साइड जम गई है, वो अजीब था। हमारे पास पार्टी में ताजी ड्रिंक्स है। ये ग्लास बहुत बोरिंग है, मैं इसे फैंसी बनाऊंगी और ठंडा भी। अब ये ड्रिंक के लिए परफेक्ट होल्डर है। बिना स्टेम के प्लास्टिक कप को हॉट ग्लू लगाएं। इसे आइसिकल का आकार दें। इसे नीले एक्रेलिक पेंट से कोट करें। वाइप से पेंट को ब्लॉट करें। इसे सूखे ब्रश से पर्ली पेंट करें। वाह, ये ठंडा ग्लास एक असली बर्फीली रानी के लिए है। क्या एक ठंडा ग्लास? पर मेरा ग्लास बहुत बोरिंग है, बुरा है। थियो को हिंट मिल गया। ओ मेरी प्रिंसेस, तुम्हारा वफादार नाइट तुम्हारे लिए सबसे अच्छा पीने का ग्लास लाया है। एक ड्रैगन एग, अंडे का आकार देने के लिए फॉइल को कप के साथ लपेटें। फोम पेपर के टुकड़े काटें, उन्हें ऊपर से शुरू होने वाले कप के साथ अटैच करें। आधे सूखे ब्रश के साथ इसे पर्ल जैसा हरा रंग दें। वाह, क्या लाजवाब ग्लास है। ये एक रेयर ड्रैगन एग है। अच्छा काम किया नाइट।
ये उसे पसंद आया। हमें पार्टी के लिए आइस चाहिए, मैं इसे ले लेती हूँ। वुप्स, फिर से नहीं। बर्फ मेरे हाथों से पिघल गई। उसी समय मॉली, क्या हुआ? जैसे ही मैं बर्फ को छूती हूँ वैसे ही पिघल जाती है। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए छोटा असिस्टेंट है, एक थर्मल पेंगुइन। थर्मल इंसुलेशन के टुकड़े काटें। नीचे वाले हिस्से और किनारों को हॉट ग्लू करें। जिपर को जोड़ें। डिटेल्स को जोड़ें। हैंडल लगाएं। वाह, कितना प्यारा पेंगुइन है। ये हमारी सारी ठंडी चीजों को कैरी कर सकता है। नैंसी, क्या तुम बर्फ के साथ मेरी मदद कर सकती हो? हो गया बहन, पेंगुइन हमारे लिए सब कुछ ठंडा और अच्छा रखेगा। मजेदार गेम्स का समय हो गया, चलो ट्विस्टर खेलें। मॉली, येलो पर राइट हाथ और ब्लू पर लेफ्ट हाथ। ठीक है। वुप्स। ओ नहीं, ऐसा लग रहा है कि इसको बैलेंस करना मुश्किल है। हम दोबारा ट्विस्टर नहीं खेलेंगे। बाय बाय ट्विस्टर। तुम्हें अपने कॉम्पिटिटर के कप में एक बॉल फेंकनी है। लेकिन नैंसी ने ज्यादा कर दिया। सभी कप्स जम गए और बॉल थियो के पानाकोटे में गिर गई। 14 उस क्रीम को व्हिप करें। पिघली हुई चॉकलेट की 5.5 आउंस को 1 आउंस घुली हुई जेलेटिन के साथ मिलाएं। फूड कलरिंग डालें। व्हिप क्रीम के साथ मिलाएं। कप को भरें। व्हिप क्रीम के साथ हार्डेंड मास्क को सजाएं। बुल्साय। शुक्रिया नैंसी, क्रीम स्वादिष्ट थी। पर मैं अपने डेजर्ट में गेंद नहीं खाना चाहती। उप्स, माफ करना। बर्थडे केक आ गया। हैप्पी बर्थडे। उप्स, वो दोनों एक दूसरे से टकरा गए। वो केक से एक प्यारे डेजर्ट में बदल गए। आटे के 7 और 3/8 आउंस के साथ कोकोआ के 1/4 आउंस, बेकिंग पाउडर का 1 चम्मच, वैनिला, सार क्रीम के 6 और 1/4 आउंस और पीसी हुई चीनी, 2 अंडे और वेजिटेबल ऑयल के 4 और 1/4 आउंस को मिलाएं। फूड कलरिंग डालें। बैटर से सिलिकॉन मोल्ड्स को भरें। 20 मिनट के लिए 350 डिग्री पर बेक करें। वार्म शेड्स के साथ आइसिंग को रंगें। इसके साथ पेस्ट्री बैग भरें। कपकेक को आइसिंग के साथ सजाएं। ओह, ये कितना प्यारा है। और नैंसी के पास ठंडी स्नोबॉल है। बॉल का आकार देने के लिए तैयार किए हुए कपकेक को ट्रिम करें। अब इसे पिघली हुई ग्लेज में डिप करें और इसे घिसे हुए नारियल के साथ कवर करें। वाह, ये बर्थडे मैजिक होना चाहिए। गर्म कपकेक और स्नोबॉल केक पॉप बहुत स्वादिष्ट है। वुप्स, हमारे मेहमानों का क्या हुआ? लगता है वो केक से टकरा गए। ये एक पार्टी नहीं है, ये मौसम का संकट है। मेरा हो गया। जब पार्टी खत्म हो जाती है तो सफाई करने का समय होता है। मॉली, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। शुक्रिया थियो, तुम बहुत अच्छे हो। हॉट गर्ल ने आखिरकार मुझे नोटिस किया। ये किसी भी पार्टी का सबसे अच्छा अंत है।
क्या आपको हमारी गर्म और ठंडी बर्थडे पार्टी पसंद आई? तो नीचे कमेंट करें कि आपको कौन सी बहन सबसे ज्यादा पसंद आई, हॉट मॉली या कोल्ड नैंसी। और उस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं ताकि आप रूम रूम पर नई ठंडी और गर्म वीडियोस मिस ना करें।